जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अभी आपको लेके आया हूँ मैं जी रावी मोटर्स के ऊपर, ठीक है जी। और रावी मोटर्स के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं ना यार, गाड़ियाँ पुराने मॉडल की हैं, कुछ नए मॉडल की भी हैं, और तबाही गाड़ियाँ यार, और बड़ी मुनासिब कीमत में गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं क्राउन जो है, बड़ा ही ये लग्जरी लुक जो है ये मॉडल है, और ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। ये गाड़ी जो है ये भी बड़ी मुनासिब कीमत में आपको रावी मोटर्स के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद ये चार मॉडल जो है ये होंडा VTI प्रोस्मेटिक मौजूद है, उसके बाद ये सुजुकी लियाना स्पोर्ट्स मॉडल मौजूद है चार मॉडल, और उसके बाद जो है ये इंडस करोला जो है ये गाड़ी आपको दिखाएंगे। और अभी ख़त्म नहीं हुई गाड़ियाँ, और भी हैं दो गाड़ियाँ भी और हैं, तो उनमें से एक जो है ये मेहरान है रेड कलर में, बड़ी मुनासिब कीमत में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये कैरी डब्बा जो बुलान है ये आज के रिव्यू में आपको दिखाया जाएगा। तो भाई लोग रिव्यू स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से बेल आइकन के निशान को भी दबा लें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है ना, ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाया करेंगे। तो बाकी चलें गाड़ियों का रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गाड़ी दिखाने जा रहे हैं ना, ये टोटा क्रॉन है, 1982 का मॉडल है, लेकिन कंडीशन इस गाड़ी की माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। बोनट इसका जस्ट ओपन किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा फासला नज़र आ रहा होगा। बाकी आउटलुक जो है ये गाड़ी की आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है। KPK का जो नंबर है जिसको लगा हुआ है, 1982 का मॉडल है, 1996 की ये कस्टम क्लियर गाड़ी है, ड्यूल AC वाली गाड़ी है, 2800 CC जो है ये इस गाड़ी का इंजन है। तो बाकी जो है आप इसके टायर वगैरह देख सकते हैं, जो रिम वगैरह है इसके, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं जी इसका इंटीरियर जो है ये भी दिखाते हैं, उसके साथ साथ आप जो है डोर इसके चेक कर सकते हैं, जो इसके बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ हालत में मौजूद है। और आज ये अंदर की तरफ जो है इसका दिखाते हैं आपको, जो रूम है ये आप देख सकते हैं, इसका डोर की जो है ये कंडीशन है। उसके बाद ये इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ऑटोमेटिक जो है ये इसमें गियर ट्रांसमिशन है, स्क्रीन लगी हुई है, बड़ा डैशबोर्ड है गाड़ी का, ड्यूल AC है इसमें। सीट्स की जो कंडीशन है, सीट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में सीट्स जो है ये इसकी मौजूद है। और इसके बाद बाकी बैक साइड से गाड़ी आपको दिखाते हैं जी, तो बैक साइड से भी आप देख सकते हैं जी, और रॉयल सलोन जो है ये मॉडल है, क्रॉन टोयोटा का लोगो आप देख सकते हैं। बैक साइड जो है ये आप देख सकते हैं, बैक कैमरा जो है ये इसमें इंस्टॉल्ड है, और किसी किस्म का इस गाड़ी में इशू नहीं है, ठीक है। बड़ी मुनासिब कीमत में ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी जो है इसका बोनट ओपन करते हैं, इसका इंजन आपको दिखाते हैं। तो ये है गाड़ी का इंजन, ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक शॉक्स हैं ये इसमें मौजूद हैं 1982 मॉडल में, ठीक है। और ये इसका इंजन है जो कि 2.8 है, 2800 CC गाड़ी का इंजन है, ठीक है। आप इसकी देख सकते हैं फ्रंट पट्टी वगैरह देख सकते हैं, बैटरी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और इंजन इसका 100% ओके है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये गाड़ी के बिल्कुल क्लियर मिलेंगे आपको, और किसी किस्म का गाड़ी में इशू नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है ये, रॉयल लुक गाड़ी है ये, ठीक है। इसका आप ये लोगो भी चेक कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता कर लें। इसकी जो डिमांड है जस्ट 12,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। तो बाकी आगे मौजूद है जी ये होंडा सिविक मौजूद है, VTI प्रोस्मेटिक मौजूद है ये, और ये भी गाड़ी फॉर सेल है जी, जो 2004 मॉडल है। और इसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाते हैं, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। बोनट इसका देख सकते हैं, बम्पर देख सकते हैं, साइडर है ये इसकी, लाइट से शावर्ड है। बाकी जो है ना आपको दिखा देते हैं इसका जो डोर्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 360 राउंड करवा देते हैं। टायर आप जो है इस गाड़ी के देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसकी बैक साइड से भी कंडीशन आपको दिखा देते हैं, डिक्की वगैरह देख सकते हैं, बैक कैमरा इसके में इसमें जो है इंस्टॉल्ड है, और जो इसके बाद गाड़ी का बम्पर है ये भी आप देख सकते हैं। तो बाकी जो है अभी इसकी आपको राइट साइड दिखा देते हैं, राइट साइड से भी आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, और डोर्स की जो कंडीशन है ये मौजूदा आपके सामने है। अंदर से गाड़ी आपको दिखा देते हैं, ये आप डोर वगैरह देख सकते हैं गाड़ी के। और ये गाड़ी का डैशबोर्ड है जी, ठीक है, स्क्रीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है, डैशबोर्ड इसका बिल्कुल साफ़ है। और जो सीट्स की कंडीशन है, सीट्स आप देख सकते हैं, जो पीछे वाली सीट्स हैं गाड़ी की ये भी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हालत में मौजूद है। नीचे मैटिंग वगैरह देख सकते हैं, छत वगैरह इसका देख सकते हैं अंदर से। और अब इसका जो है बोनट ओपन करके तो इंजन आपको दिखाते हैं, फिर इसकी डिमांड बता देते हैं कि इस गाड़ी की डिमांड क्या की जा रही है। तो बोनट जो है इसका ओपन हो गया जी, ये इस गाड़ी का इंजन है, 1600 CC गाड़ी का इंजन है, और इंजन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है। बोनट वगैरह गाड़ी का देख सकते हैं, और हर लिहाज से गाड़ी ओके है, बैटरी वगैरह फ्रंट पट्टी वगैरह ठीक है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है गाड़ी में, जस्ट आपने इसको लेना और चलाना है, ठीक है। VTI प्रोस्मेटिक है, 2004 मॉडल है, और गाड़ी की कंडीशन ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने है। डिमांड इसकी करें जी, 14.5 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। अगर कोई बाई इंटरेस्टेड है तो वो जल्द से जल्द रावी मोटर्स वालों के साथ रब्ता कर सकते हैं, नंबर इनका वीडियो की स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है।
उसके बाद 2004 मॉडल सुजुकी बलिनो मौजूद है, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स मॉडल में है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। साइडें जो हैं ये गाड़ी की ऑब्वियसली शावर्ड है, बाकी जो है अंदर से ये गाड़ी फुली पैक्ड है। तो टायर आप देख सकते हैं इसके जो है अलॉय रिम बड़े मज़ेदार लगे हुए हैं डबल के, और उसके बाद टायरों की कंडीशन भी जो है ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक है। साइडें जो हैं इसकी स्पोर्ट्स लुक पे नज़र आ रही हैं, बाकी बैक साइड भी जो है गाड़ी की ये आपको विजिट करवा देते हैं। उसके साथ साथ आप इसके जो डोर्स हैं ये आप देख सकते हैं, डोर जो हैं इसके तकरीबन बिल्कुल साफ़ हैं। ये आप गाड़ी का छत देख सकते हैं, ठीक है। और स्पॉइलर जो है ये इसमें मौजूद है, और बैक कैमरा वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड है। पीछे जो पूरी स्पोर्ट्स किट जो है ये इसमें मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है ये भी इसकी बिल्कुल साफ़ हालत में मौजूद है। तो इसकी दूसरी साइड आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देखें जो सबसे पहले डोर की कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका डैशबोर्ड है, मैनुअल इसमें गियर ट्रांसमिशन है, स्क्रीन लगी हुई है, डैशबोर्ड बिल्कुल साफ़ है, एसी हीटर ओके है, सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, सीट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। तो गाड़ी के इंजन आपको दिखा देते हैं कि इंजन की क्या सूरत हाल है भाई। तो बाकी उसके लिए इसका जो है बोनट ओपन कर लेते हैं, इसका इंजन आपको दिखाते हैं, फिर इस गाड़ी की जो डिमांड है ये आपको बता देते हैं कि डिमांड इस गाड़ी की क्या की जा रही है। तो भाई लोग जो बोनट इसका ओपन हो गया, इंजन इसका आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और 1300 सीसी जो है ये इस गाड़ी का इंजन है, और बाकी इंजन इसका बिल्कुल ओके है। बैटरी वगैरह इसकी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका होता है इंजन का, ये इसकी फ्रंट पट्टी देख सकते हैं, और बोनट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। इंजन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये इसकी आप बिस्किट देख सकते हैं, ये इसका चेसी नंबर है जी, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके बिल्कुल क्लियर मिलेंगे आपको। और डिमांड जो है ये इसकी की जा रही है जी 7.75, इसकी डिमांड की जा रही है 7,75,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। आगे मौजूद है जी इंडस करोला, ठीक है जी। 1995 मॉडल है ये इंडस करोला, ठीक है। साइडें इसकी शावर्ड है, अंदर से ये गाड़ी फुली पैक्ड है। बाकी आउटलुक गाड़ी की आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बड़े इंजन में गाड़ी है, 1600 सीसी इंजन वाली, ठीक है। और ये इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। फ्रंट लुक जो है गाड़ी की देख सकते हैं, बम्पर बोनट जो है इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी डेंट या स्क्रैच मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसकी साइडों से कंडीशन देख सकते हैं, टायरों में जो है इसके ये अलॉय रिम मौजूद हैं, ठीक है। टायरों की कंडीशन आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो है डोर्स वगैरह गाड़ी के देख सकते हैं, डोर जो है ये इसके बिल्कुल साफ़ है। अंदर से जो गाड़ी का इंटीरियर है ये आपको दिखाते हैं, तो डोर की कंडीशन आप देख सकते हैं, डोर इसका बिल्कुल ओके है। डैशबोर्ड की कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। टेप वगैरह इस गाड़ी में लगी हुई है, मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है। सीट्स की जो कंडीशन है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पीछे वाली सीट्स भी ओके है, कोई भी मतलब जो सीट है इसकी फटी हुई या फिर रफ नहीं है। तो बोनट इसका ओपन कर लेते हैं ताकि इंजन इसका आपको दिखाया जाए, बैक साइड भी इसकी जाइए आपको दिखा देते हैं। इंडस करोला की जो कि 1995 मॉडल मौजूद है, और ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं, ठीक है जी। इसकी जो दूसरी साइड है ये भी गाड़ी की आपको दिखा देते हैं, तो ये आप दूसरी साइड भी गाड़ी की देख सकते हैं, ठीक है जी। जो एक प्रॉपर व्यू है ये गाड़ी का आप लोगों को दिखा दी है, और अभी जो है इसका आपको दिखा देते हैं इंजन, उसके बाद इसकी डिमांड आपको बता देते हैं कि इस गाड़ी की डिमांड जो है ये क्या की जा रही है। तो बड़ा ही हैवी बोनट है जिसका बोनट आप देख सकते हैं, और ये इसका इंजन है 1600 सीसी, ठीक है। और फ्रंट पट्टी देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, डिब्बे वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इंजन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल ओके है, इंजन में किसी किस्म का मसला नहीं है। और बाकी जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं जी 9.5 लाख रुपये डिमांड है इसकी। अगर कोई बाई इंटरेस्टेड है तो वो कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, नंबर वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मैंने रावी मोटर्स का दिया हुआ है। तो बाकी यहाँ पे जो है 1991 मॉडल मेहरान है जिसकी डिमांड 3.5 लाख रुपए की जा रही है। रेड कलर है गाड़ी का, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं। फ्रंट बोनट बम्पर की कंडीशन आपके सामने है। टायर जो है इसके ये आप देख सकते हैं, टायरों में जो है इसके ये अलॉय रिम मौजूद हैं, ठीक है। टायरों की कंडीशन आपके सामने है। साइडों से जो डोर्स की कंडीशन है ये आप देख सकते हैं। बाकी जो है इसकी बैक साइड आपको दिखा देते हैं, ये इसकी बैक साइड से कंडीशन आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स लुक के लिए जो है किटल मौजूद है, बैक साइड पे भी ये बम्पर जो है ये स्पोर्ट्स लुक वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 3.5 लाख रुपये इसकी डिमांड है। इंजन वाइज ये गाड़ी बिल्कुल ओके है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर मिलेंगे आपको हर चीज़ के। तो ये आप इसका डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं, सीट्स वगैरह देख सकते हैं गाड़ी की, ठीक है। पीछे वाली सीट्स भी देख सकते हैं, और उसके बाद जो है ये डब्बा मौजूद है, ठीक है। इसका रूम आप देख सकते हैं, ये 2005 मॉडल सुजुकी बलान है, ठीक है। और इसकी जो है ना आई थिंक ये सीट उन्होंने खोली हुई है, और फ्रंट साइड से आप इसका जो है व्यू कर सकते हैं। और सियालकोट नंबर का ये रजिस्टर्ड है, डिमांड इसकी 5.5 लाख कर रहे हैं, 2005 मॉडल है। तो उम्मीद है दोस्तों ये गाड़ियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द से जल्द एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।